श्रीदेवी का दुबई में शनिवार को निधन हो गया। ताज़ा जानकारी के अनुसार श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में रुकी हुई थीं। इसी होटल के कमरे में श्रीदेवी ने आखिरी सांस ली थी। इसी होटल के कमरे के बाथरूम में श्रीदेवी बेहोश होकर गिर गई थीं। इसके तुरंत बाद उन्हें दुबई के राशिद अस्पताल ले जाया गया। अभी तक जानकारी आ रही थी कि 2 बजे तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत आ जाएगा, लेकिन यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सूरी के अनुसार अभी प्रक्रिया चल रही है और डेथ सर्टिफिकेट देने के बाद ही उनके शरीर को भारत लाया जा सकेगा। आज शाम तक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत आ सकता है। श्रीदेवी की शनिवार रात 11 बजे मौत हुई है। महज 54 साल की उम्र में अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन से हर कोई स्तब्ध है। जी न्यूज को मिली एक एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार एक सूत्र ने बताया, उनके शरीर को फोरेंसिक विभाग को दे दिया गया है। श्रीदेवी और उनका परिवार दुबई के एमिरेट्स टावर में रुका हुआ था, जो दुबई का 56 मंजिला होटल है। इस होटल में 46 लग्जरी कमरे हैं। 1963 में जन्मी श्रीदेवी ने 1967 में एक बाल कलाकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयाली फिल्मों में भी काम किया। श्रीदेवी को 2013 में 4वें उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह आखिरी बार फिल्म मॉम में नजर आई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें काफी सराहना मिली थी। 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली श्रीदेवी ने साल 1997 में आई फिल्म जुदाई जैसी हिट फिल्म के साथ अपने करियर को विराम दिया था। साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के साथ जोरदार कमबैक इनिंग की शुरुआत की। पिछले कुछ समय से श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी को लेकर परेशान थी। दरअसल जाह्नवी कपूर के अभिनय से सजी फिल्म निर्माता करण जौहर की धड़क 20 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म में जाह्नवी के अपोजिट शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर हैं। 1980 के दशक में शोक अंदाज और चंचल आंखों वाली श्रीदेवी का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कुछ ऐसा था कि कहते हैं कि उस जमाने में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए उनके बराबर फीस की मांग कर दी थी। यह उस जमाने में इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि एक्टर के सामने अभिनेत्रियों को अपेक्षित तवज्जो नहीं मिलती थी। श्रीदेवी ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको देखने लोग सिनेमा घरों में जाते थे, इसीलिए उनको देश की पहली महिला सुपरस्टार कहा गया। कुछ ऐसा ही करिश्मा राजेश खन्ना ने अपने दौर में किया था।